हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्य संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में एसीबी की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज राज्य संबंध एसीबी ने माइनिंग विभाग के सहायक अभियंता विजिलेंस राजेंद्र लालस को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी टीम द्वारा अस्थायी निवास की तलाशी के दौरान 1,35,000 बरामद किए गए। राज्य संबंध एसीबी एएसपी अनूप सिंह ने बताया कि परिवादी द्वारा एसीबी कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराया गया है। शिकायत में बताया गया है कि गिट्टी क्रेशर प्लांट को सुचारू रूप से चलाने देना एवं निरीक्षण के दौरान नाजायज परेशान नहीं करने की एवज में राजेंद्र लालस सहायक खनिज अभियंता विजिलेंस ने उससे 1,00,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग की है और परेशान किया जा रहा है। राजसमंद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद ट्रैक की कार्यवाही करते हुए राजेंद्र लालस को 50,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी को कल उदयपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राजसमंद के एसीबी एसपी अनूप सिंह इन्होंने ये कहा, परिवादी ने कल हमें शिकायत दी थी ऑफिस में उपस्थित होकर कि उसका जो क्रेशर है उस पे जो संबंधित एमई है श्री राजेंद्र लालस वो आए और उसको सुचारू रूप से चलने देने के लिए 1,00,000 रुपए की डिमांड की, जिसका वेरिफिकेशन हमने कर करवाया, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 50,000 रुपए लेने की बाबत की सत्यापन हुआ था। परिवादी द्वारा आज जो 50,000 रुपये देते वक्त उनको हमने गिरफ्तार किया है। टोटल 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में 50,000 पहला उनको देना था, बाकी के 50,000 दो किस्तों में बाद में देने थे, जो आज 50,000 रुपये देते समय हमने, हाँ घर की तलाशी ली थी, खाना तलाशी, उसमें 1,25,000 रुपये और नगद मिले हैं, बाकी कार्रवाई जारी है, उस बारे में बाकी तकमील चल रही है, कल न्यायालय में पेश। जागरूक टीवी के लिए राज्य संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारूत की रिपोर्ट।